गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं आपका एजुकेटर मिश्रा आपके साथ गाइस, और हम बात करने वाले हैं आज अपने करंट अफेयर्स की, जहाँ पर आपको हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ बताएंगे, उसके बाद हम आपको एक्स्ट्रा हाइलाइट्स बताएंगे, और लास्ट में हम बताएंगे आपको एमसीक्यूज। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आज शाम को, आज 3 o'clock पर मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस का बैच भी लूँगा, और 5 o'clock पर आपका RRB का और NICL का या सबका करंट अफेयर्स का रिवीजन भी है, आपको वहाँ पर भी आना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, जो ये रहा हमारे स्क्रीन पर। मोटिवेशनल कोट आपके सामने आ चुका है। क्या बोला जा रहा है मोटिवेशन कोट में? सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एग्जैक्टली अगर आपको अपने पर बिलीव है तो आपकी मेहनत आपको पे ऑफ जरूर होगी, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। वो हमेशा कहा जाता है ना, जब किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिल जाती है उसे तुमसे मिलाने के लिए। कंप्यूटर जी डॉग सही है ना? चलिए, तो ये है हमारा आज का मोटिवेशनल कोट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देयर आर नो शॉर्टकट। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें, लगे रहें, हटे ना, गिवअप मत करें, कभी गिवअप नहीं करना है। आई कैन, आई विल, आई मस्ट। शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं उसका इंडेक्स आपको हम दिखा दे रहे हैं, जहां पर हम कमेटी से बात करेंगे एक्स्ट्रा हाईलाइट तक, ये सामने आपके है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। तबीयत हाँ कुछ खराब सी है, तबीयत ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है ये रहा आपके सामने, देखिए। तो हम पढ़ने वाले हैं कमेटी के बारे में, और कमेटी में हम पढ़ेंगे पहले राजस्थान की कमेटी के बारे में। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में स्कूल टेक्स्ट बुक को रिव्यू करने के लिए 2 कमेटी बनाई है। तो 2 कमेटी कौन कौन सी है, आइए उसकी हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, देखिए। तो पहला पॉइंट है, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज सेट अप 2 कमेटी ऑफ एक्सपर्ट एंड एजुकेशनिस्ट to review the syllabus of schools textbook from class 1 to 8 and class 9 to 12. तो क्लास 1 से लेकर 8 तक और क्लास 9 से लेकर 12 तक, तो इन क्लास के बच्चों के जो स्कूल टेक्स्ट बुक है उसमें क्या कंटेंट जा रहा है, क्या कंटेंट होना चाहिए, उसको रिव्यू करने के लिए 2 कमेटी बनाई गई है। हम इन दोनों कमेटी के हेड की बात करेंगे। देखिए, तो जो 1 to 8 क्लास की टेक्स्ट बुक रिव्यू कमेटी होगी, उस कमेटी को लीड करेंगे आई वी त्रिवेदी जी, आपको ये नाम याद करना है, ठीक। और अगर आगे बढ़े तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए, तो 9 to 12 क्लास के टेक्स्ट बुक को जो कमेटी रिव्यू करेगी उसको लीड करेंगे BM शर्मा। और BM शर्मा कौन है? तो BM शर्मा फॉर्मर चेयरमैन है ऑफ राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो BM शर्मा एक नाम ये, और एक नाम आपको दिखा दे रहे हैं आई वी त्रिवेदी और BM शर्मा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देख लीजिए। कंप्यूटर जी हटा दीजिएगा, बच्चों को कंटेंट दिख नहीं पाता है, लाइक एंड शेयर वाला, वो चाहे तो आप यहाँ मेरे मेल आईडी के ऊपर कहीं लगा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है आइए उसकी बात करते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर ले, देखिए, तो हेडक्वार्टर इसका अजमेर में है। 1949 में ये बनाया गया, और दीपक उप्रेती जो है वो चेयरमैन है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ, देखिए, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, वो सब तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर राजस्थान के हम लेक्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं, उसकी एक लिस्ट है, वो किस सिटी में है, और कुछ अगर स्पेशल रिमार्क्स है तो वो भी हमने आपको दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनासागर लेक हो गया, देवर लेक हो गया, फतेह सागर लेक हो गया, मानसागर, नक्की लेक, सांभर रिसाल्ट और पुष्कर लेक। तो ये लेक की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, याद करना आपका काम है, याद कर लीजिएगा। और अगर आगे बढ़ें तो आपको हम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं लिस्ट, उसकी देखिए यहाँ पर, रणथंबोर, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवला देव और डेजर्ट नेशनल पार्क, कुंभगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा नेशनल पार्क। तो ये सब भी आपको याद करना, राजस्थान के स्टडी पॉइंट आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो राजस्थान के कुछ सिटीज़ के निकनेम आपको हम दिखा दे रहे हैं। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, उदयपुर को व्हाइट सिटी ऑफ लेक या वेनिस ऑफ ईस्ट बोलते हैं, वेनिस ऑफ ईस्ट, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और जोधपुर को ब्लू सिटी सन सिटी बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है देखते हैं, आइए। चलिए, द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड फोर्ट्स। तो कहाँ कहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। हालांकि पूरा राजस्थान ही मॉन्यूमेंट से भरा हुआ है, ठीक है, फिर भी एक लिस्ट आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो 9 पॉइंट यहाँ पर है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारे आज़ादी के बाद
जो विभिन्न विभिन्न डिफरेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके लिए कुछ कमेटीज बनाई गई थी, तो उस कमेटी की पूरी लिस्ट हमने आपको दी है। तो ये कमेटी की लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, अपना अमूल्य समय निकाल के, थोड़ा सा समय निकालिए और इस कमेटीज को जरूर पढ़िए आप, ठीक है। चलिए आइए, चलिए तो ये पॉइंट हमारा कमेटीज का है, ये करंट अफेयर्स कमेटी नहीं है, ये पुरानी कमेटीज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिफेंस की बात करेंगे और यहां पर इंडियन एयरफोर्स की हम बात करेंगे। तो इंडियन एयरफोर्स गेट इट फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर। ये फ्लाइट इंजीनियर कौन होते हैं? तो जब भी कोई क्रू चलता है, क्रू का मतलब टीम चलती है, तो ये जो फ्लाइट इंजीनियर होते हैं इनका काम होता है कॉन्टिन्यूअस वॉच करना, मॉनिटर करना और कोऑर्डिनेट करना सिस्टम के साथ। अगर कोई भी टेक्निकल कुछ दिक्कत आती है तो इनको ही ठीक करना होता है ड्यूरिंग फ्लाइट। तो पहला, ये काफी प्राउड का विषय है गर्ल्स के लिए कि पहली फ्लाइट इंजीनियर एज अ वुमेन वर्क कर रही है इंडियन एयरफोर्स में, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। इनका नाम क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल इनका नाम है, बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर। फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर, मैंने हमेशा बोला है कि जिस भी पॉइंट में फर्स्ट लग गया वो हमेशा से इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए तो शी वॉज कमीशनड इन जनवरी 2015 टू IAF इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग ब्रांच में 15 में आ गई थी और जब इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली तो इन्होंने इतिहास रच दिया, ये पॉइंट ये बोला जा रहा है। तो फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर बनी है हिना जायसवाल, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर आगे बढ़ें तो देखिए, तो फ्लाइट इंजीनियर क्या वर्क करता है, तो आपको ये मैंने बता दिया कि इनका वर्क होता है कि सबके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करना सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, केवल समझने वाली बात है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या क्या है, देखिए यहां पर तो हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दे रहे हैं। यहां पर इंडियन एयरफोर्स का स्टैटिक पॉइंट, तो आपको मैंने पहले भी दिया इंफॉर्मेशन, आज भी दे रहे हैं और आई थिंक आपको सारे पॉइंट याद भी होंगे। तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अगर आगे बात करें तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ, आपको ये नाम तो याद होगा। और वाइस चीफ की बात करें तो ये आप कैसे भूल सकते हैं, तो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है ना, इनका नाम है एयर मार्शल अनिल खोसला। तो खोसला जी हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए तो ये पॉइंट आपके लिए था यहां पर, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए यहां पर तो आगे ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी हेडिंग है। तो वाइस एडमिरल SN घोरमोड़े टेक ओवर द COS, और COS का मतलब क्या होता है, चीफ ऑफ स्टाफ। तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं, देखिए यहां पर तो वाइस एडमिरल SN घोरमोड़े एज्यूम द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। तो ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम के ये चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट हुए, नाम क्या है इनका, SN घोरमोड़े, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो ये पॉइंट आपके लिए था यहां पर, और ये बताया गया कि 1984 में इन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ठीक है, चलिए ये पॉइंट तो क्लियर है। SN घोरमोड़े की बात करें तो चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड बने हैं विशाखापट्टनम में ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर जी ने थोड़ी स्लाइड आगे पीछे कर दी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए तो इन्हें क्या मिला है, इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है और नाव सेवा मेडल मिला है, और ये 2007 में मिला है। हालांकि इतना डीप में क्वेश्चन घुमाएगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन है तो मेरा काम है देना आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। और गाइस अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैं बोल दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आपके लिए, और आपको इंडियन नेवी के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इंडियन नेवी की अगर बात करें तो इंडियन नेवी के देखिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल सुनील लांबा जी हैं, आपको ये पता है। वाइस चीफ कौन है, तो वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार हैं। ये सब कुछ नए अपॉइंटमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक। और डिप्टी चीफ कौन है, तो वाइस एडमिरल MS पवार हैं। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको लर्न करनी है। मैंने आपको इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके नाम कई बार बताए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं, बहुत पढ़ते नहीं हैं, पढ़ लीजिएगा, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, भूल जाते होंगे, लेकिन बच्चों से थोड़ा बड़े बनो, चीज़ों को लर्न करना सीखो। जो पॉइंट बोला जाए कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो वो एक्सपीरियंस से बोला जा रहा है कि ये सब पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है, देखिए यहां पर बैंकिंग की बात कर रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 पब्लिक सेक्टर बैंकों पे पेनाल्टी लगा दी है, 3 पब्लिक सेक्टर बैंकों पे पेनाल्टी लगाई है। ये 3 बैंक कौन कौन से हैं, हम उनकी बात भी करने वाले हैं आपसे। तो देखिए यहां पर, देखिए तो अब यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर जी पता नहीं क्या हुआ है, एक हफ्ते से थोड़ा सा परेशान है, तो आगे पीछे स्लाइड कर दिए हैं। देखिए
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड 3.5 करोड़ पेनाल्टी ऑन 3 पब्लिक सेक्टर बैंक. तो 3.5 करोड़ पेनाल्टी 3 बैंक पे लगाई गई है और ये तीनों बैंक कौन कौन से देखिए. द पेनाल्टी ऑफ 1.5 करोड़ वॉज इम्पोज्ड ऑन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर कहां पे है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर वहीं पर होगा जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होंगी, गुड़गांव. तो इसके लिए एक हमारे पास एक कहते हैं ना ट्रिक्स भी थी कि द लेडीज ऑफ पंजाब कम टू दिल्ली टू स्टडी कॉमर्स. द लेडीज ऑफ पंजाब कम टू स्टडी कॉमर्स. लेडीज का मतलब क्या था? भारतीय महिला बैंक. पहले दिल्ली में था, ये खत्म हो चुका है. तो लेडीज ऑफ पंजाब कम टू दिल्ली, तो पंजाब का मतलब जितने भी पंजाब नाम से बैंक हैं वो सारे दिल्ली में होंगे. पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. द लेडीज ऑफ पंजाब कम टू स्टडी कॉमर्स, तो कॉमर्स का मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, गुड़गांव में है, बगल में है, गुरुग्राम में है. तो इस तरह आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है. और अगर बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, तो ये कहां पे है? ये आपका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. बैंक ऑफ इंडिया, जिन भी बैंकों के लास्ट में इंडिया लग जाता है वो सब कहां पर होते हैं? मुंबई में होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. चलिए, तो 1.5 करोड़ की पेनाल्टी लगी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर और 1 करोड़ ईच की पेनाल्टी लगी है पंजाब नेशनल बैंक पर और बैंक ऑफ इंडिया पर, ठीक है. तो इस तरह आप याद करेंगे 1.5 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड 1 करोड़ फॉर पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने, हाँ, बहुत सारे बैंक पर पेनाल्टी लगी है पल्लवी, हमने आपको बताया भी है, आपको वो चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है. चलिए, तो अब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ ले चलते हैं. नहीं, पहले ये सुन लीजिए. तो पेनल्टी क्यों लगी है? बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस थे उसे नहीं माना गया. द मॉनेटरी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लियंस ऑन मॉनिटरिंग ऑफ इंड यूज ऑफ फंड एंड ऑन द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंट. तो इंड यूज फंड का मतलब क्या होता है? अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी पेनल्टी लगी थी. मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन कस्टमर को लोन दे रहा था वो उस लोन का कैसे यूज करते हैं ये आप वॉच नहीं करते हैं. इंड यूज ऑफ फंड एंड ऑन द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द अकाउंट, मतलब कि कुछ अकाउंट होंगे जो कि ब्लैक मनी होगी, जिसमें गवर्नमेंट कह रही होगी चेक करो इसको, रिस्ट्रक्चर करना, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देना फंड, ये सब चीजें. तो इसके लिए पेनाल्टी लगी है इनके ऊपर, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बारे में बताते हैं. तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और की पीपल है मुकेश कुमार जैन, आप यहां पर देख पा रहे हैं, एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे थे. तो आगे बढ़ते हैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं. पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सीईओ सुनील मेहता जी हैं, ठीक. और अगर आगे बात करें तो हमारा बैंक ऑफ इंडिया है, हेडक्वार्टर मुंबई है और सीईओ कौन है? दीनबंधु मोहपात्रा जी हैं. ये आपको यहां पे इंफॉर्मेशन हमने दे दी है. चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई में है, गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं. तो ये तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है हमारी, ठीक है. चलिए, ये न्यूज तो सबको पता होगी. तो इंडिया विदड्रॉ MFN स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान. तो पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था वो वापस ले लिया गया है. 1966 में ये दर्जा इनको दिया गया था. मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो उसका मतलब होता है कि जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड होगा उसमें पाकिस्तान को लॉस नहीं होगा. मतलब कि जो हमारे टैरिफ टैक्सेस भी होते हैं वो जेन्युइन रेट पर होंगे. तो ट्रेड में पाकिस्तान को कभी लॉस नहीं होने वाला था. वो दर्जा वापस ले लिया गया है. पता नहीं किसने दर्जा दे भी दिया था, ये भी तो देखो पहले, है ना. देखिए, इंडिया हैज विदड्रॉ द MFN, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू पाकिस्तान, ठीक. तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें हमारे 37 जो हमारे वीर सिपाही थे उनकी शहादत हो गई, वो शहीद हो गए देश के लिए. काफ़ी बुरी चीज़ है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए देश के लिए. हालांकि मैं भी इतना नहीं बड़ा हूँ कि मैं इस पर कमेंट करूँ, लेकिन फिर भी जिद है तो जिद है, ख़त्म करना है चीज़ों को, है ना. और आप लोग तो हैं ही, युवा बदलेगा देश बदलेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. तो बात करते हैं क्या कि कैबिनेट कमेटी के सिक्योरिटी मीटिंग में ये फैसला लिया गया. और इसके बाद आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि 1966 में पाकिस्तान को ये दर्जा दिया गया था. यही पॉइंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. 1966, ठीक है. चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको स्टडी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, चीफ मिनिस्टर कोई है नहीं, आपको पता है. यहाँ पर कैपिटल श्रीनगर भी होती है, जम्मू भी होती है. स्टेट लैंग्वेज उर्दू कश्मीरी हिंदी है, ठीक. तो ये पॉइंट तो है ही है.
और हम अगर आगे बढ़ें तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो जम्मू कश्मीर के कुछ शहर हैं जिनका निकनेम आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो निकनेम आप जो है वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो श्रीनगर की बात करें, कश्मीर की बात करें, सियाचिन की बात करें, जम्मू की बात करें, ठीक है। तो कुछ आपको निकनेम हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से फोक डांस हैं? रऊफ कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, रऊफ। उसके बाद भांड पंथर है, हफीजा है, भांड जशन है, बच्चा नगमा है और डमहल है। डमहल भी एग्जाम में पूछा गया, डमहल और रऊफ पूछा गया कई बार एग्जाम में, ठीक। तो ये फोक डांस है जम्मू कश्मीर के। और अगर आगे बात करें तो हम बात करते हैं रिवर एंड डैम की। तो चिनाब रिवर जो है, बगलिहार डैम कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, निमो बैजगो है यहाँ पर, पलकल डैम है और उरी डैम है, ठीक है। उरी डैम झेलम, तो ये भी आपके एग्जाम पूछा गया। पर्पस क्या है वो भी हमने आपको यहाँ पे एक लिस्ट में इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पीछे आ जाते हैं, 1996 है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1996 ही है, 1966 नहीं है, 1996 है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच, वरना एक बवाल और होता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको रिवर डैम जम्मू कश्मीर दिखा दिए, और आगे बढ़ेंगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या होने वाला है वो देखिए यहाँ पर, देखिए। तो इम्पॉर्टेंट लेक की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक हैं, उनके रिमार्क्स, उनका लोकेशन, मतलब किस सिटी में वो है, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, हाँ पीडीएफ मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा, कमेंट में बने रहे लास्ट तक। तो ये आपको याद कर लेना है। राजस्थान के स्टडी पॉइंट हमने आपको दिए और जम्मू एंड कश्मीर के स्टडी पॉइंट हमने काफ़ी दिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जम्मू एंड कश्मीर की, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आपको ये याद कर लेना है। अगर आप चाहें तो आज याद कर सकते हैं इसे, ठीक। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में बात करें, सीआरपीएफ के बारे में अगर बात करें, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज द लार्जेस्ट ऑफ इंडियाज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। और ये सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करते हैं। सीआरपीएफ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दे, तो सीआरपीएफ का काम बहुत अच्छा है। सीआरपीएफ को बनाया गया था हमारे देश में, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटीज़ को और हमारे जो टेरिटरी हैं स्टेट के भी, इवन उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन बाद में इनका काम काफ़ी बढ़ा, ये काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, काफ़ी देश के लगे रहते हैं, और उसका अंजाम आपके सामने क्या होता है इनके साथ। ये वही पाकिस्तान है कि जब कल दिल्ली में लोगों ने एम्बेसी को घेरा, तो इसी सीआरपीएफ ने पाकिस्तान एम्बेसी की रक्षा भी की है ना। चलिए हम पहले कभी कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम कभी छोड़ते भी नहीं हैं। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में बात करें, तो उसका मोटो क्या है, सर्विस एंड लॉयल्टी है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो राजनाथ सिंह है, बिकॉज ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, मैंने आपको बताया था। 27 जुलाई 1939 को ये फाउंड किया गया। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन कौन है, तो राजीव राय भटनागर जो है वो डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के, राजीव राय भटनागर। देखो सीआरपीएफ का अपॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एग्जाम में वो आ सकता है। तो सीआरपीएफ के बारे में जो स्टडी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है देखते हैं। चलिए, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी रुपी है, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। तो ये सारे पॉइंट स्टडी के हमने कई बार आपको दिए हुए हैं, आई होप कि आपको सारी बातें याद हो गई होंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में। तो मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया है। तो देखो यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड नेशन बाई द कंट्री ग्रांटिंग सच ट्रीटमेंट, ट्रेड एडवांटेज इंक्लूड लो टैरिफ और हाई इम्पोर्ट कोटाज। मतलब कि अगर हमें इंपोर्ट करना है तो उसमें पाकिस्तान कोटा है, कि हमें ये चीज़ें पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी ही करनी है, भले हम किसी और देश को ना करें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होने वाला है, आपस में बातचीत नहीं जी। देखो तो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साउथ कोरिया के दौरे पर जाएंगे, जहां पर इनको अवार्ड भी दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड ये आपको पता है, मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए तो क्या पॉइंट है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पे अ 2-day विजिट टू साउथ कोरिया फ्रॉम 21 फरवरी 2019। उसके बाद अगर बात करें तो ही विल बी कन्फर्ड विद द 2018 सियोल पीस प्राइज ऑन फरवरी 22। तो आपको पता है कि इनको सियोल पीस प्राइज देने की बात पहले ही बोली गई थी, तो 22 फरवरी को इनको ये प्राइज वहां पर दिया जाएगा। 2 दिन का विजिट है, ये आपको याद रखना जरूरी है, 2-day विजिट,
कहाँ पे, साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. तो ही विल ऑल्सो होल्ड अ टॉक विद प्रेसिडेंट मून जे इन ऑन अ होस्ट ऑफ इशूज टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक टाइज. तो ठीक है, ये भावनाओं को समझने वाली बात है हमारी. चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साउथ कोरिया की. तो साउथ कोरिया का कहाँ पे एग्जिस्टेंस है, जापान के इतने पास है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. कैपिटल क्या है, सियोल है. करेंसी क्या है, वॉन है. चाहे नॉर्थ कोरिया हो चाहे साउथ कोरिया हो, इनकी करेंसी वॉन ही है, WON, वॉन. ठीक, प्रेसिडेंट कौन है, यहां देख लीजिए, तो मून जा इन है. और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ली नाक योन है. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी दोस्तों. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. यहां पर पीडीएफ फिर से हो रहा है. मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले गांव बसता है, फिर लगता है मेला, लास्ट में आते हैं डाकू. तो भैया पीडीएफ वालों, एक काम करना, करीब करीब 8:15 पे वापस आना, तो कमेंट में पीडीएफ डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना. ठीक है, चलो. तो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे. यहां पर हमने आपको बाउंड्री लाइन की बात की. कल मैंने आपको पूछा था, कल या इसके पहले क्लास में पूछा था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी इंटरनेशनल लाइन्स है. तो यहां पर हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, हमने पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन दी है. डुरंड लाइन से लेकर हमने मैकमोहन लाइन की बात भी की है. और इसके बाद देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे पॉइंट हमने आपको यहां पर दिए हुए हैं. ये सारे जो दो देशों के बीच की बाउंड्रीज है, ये आपको याद कर लेनी चाहिए. इसमें 17 to 38 जो पैरेलल है, ये थोड़े विवादित मुद्दे हैं, एग्जाम में काफी पूछे गए हैं ये सारे पॉइंट. ठीक है, तो आपको ये भी याद करना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या होने वाला है, गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं. तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है. तो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए. ठीक है, तो इस एप्लीकेशन थ्रू क्या होता है, मे बी इसमें एक फीचर है, आपको घर मिल गया, आपका घर बन गया, एक बढ़िया सी पिक खींचिए और इस पर अपलोड कर दीजिए. ठीक, देखिए, तो हरदीप सिंह पुरी, मैं इनका नाम हमेशा लेता हूं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी है, आपको इनका नाम याद रखना है. इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बनता है, किसने लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया, नाम आपको यहां पर मालूम चल गया है. हरदीप पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो वो भी पॉइंट आपको यहां पर मालूम है. ठीक है, देख लीजिए, द ऐप विल अलाउ बेनिफिशियरीज टू कैप्चर एंड अपलोड हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ऑफ कंप्लीटेड हाउस अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज. तो आपको ये मालूम चल गया, आप सेल्फी लेने में अगर माहिर है तो आपके लिए बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, लेकिन उसके लिए आपको घर भी होना चाहिए जो अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना बना होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है. ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए. तो द प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन वॉज लॉन्च ऑन 25 जून 2015. तो बेटा लोग ये याद कर लेना जरूर से, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ये मिशन है, ये 2015 में 25 जून को लॉन्च किया गया. और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड हाउस टू एवरी एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड इन इंडिया बाय द ईयर 2022. तो 2022 तक जो भी लोग हैं शहरों में रहते हैं, जिनके पास अपने मकान नहीं है, उन सबको मकान प्रोवाइड करना. ठीक, तो ये पॉइंट आपके सामने आ गया. आगे बढ़ेंगे, तो लिस्ट ऑफ स्कीम्स लॉन्च इन जनवरी 2019. तो जनवरी 2019 में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, वो पूरी लिस्ट आपको यहां पर हम दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, युवा स्वाभिमान योजना, जहां पर हमने बात क्या थी, भत्ते की बात की थी ना कुछ, मतलब लाइक स्कॉलरशिप, तो यहां की गवर्नमेंट देगी, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था. अगर हम बात करें कृषक कालिया स्कीम, तो उड़ीसा ने लॉन्च की, आपको ये पता है. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो इसका ये तो पहले लॉन्च हुआ था लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्कीम है. इसके बाद अगर बात करें तो देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की हम अगर बात कर रहे हैं, ये पास हो गया हमारे देश में. तो ये सब आपको याद कर लेना चाहिए, लिस्ट आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, चलिए, ये सिक्किम गवर्नमेंट की स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन फैमिली वन जॉब स्कीम. ठीक, चलिए, तो लिस्ट ऑफ स्कीम सारी बात कर रहे हैं, हमारे पीडीएफ में मिलेगा, फिर आपको डाउनलोड कर लेना है. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम की. तो श्रम योगी मानधन स्कीम के बारे में आपको मैंने बजट वाली क्लास में पढ़ाया है और आपको इस स्कीम के बारे में पता है. तो आज से ये योजना इंप्लीमेंट हो रही है हमारे इंडिया में. आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको इसमें पढ़ने हैं. देखिए, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो आज से इंडिया में इंप्लीमेंट हो रही है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम पेंशन की योजना है, मतलब 60 साल के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलेगा. कितना मिलेगा, आइए उसकी बात कर लेते हैं. देखिए, सबसे पहले यह बोला गया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं, जो लेबर हैं, जिनकी इनकम 15,000 महीने से कम आती है, यह स्कीम उनके लिए ही है. तो उनको 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना होता है. ठीक है, और ये जो एज ग्रुप है, तो 18 से लेकर 40 ईयर तक के लोग इसको
ये मतलब इस स्कीम में इनरोल हो सकते हैं. तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर. इसके बीच में भी आप हैं तो मतलब चलेगा ही. तो आपको इनरोलमेंट के लिए शर्त है और एनुअल इनकम आपकी 15,000 से कम, मंथली इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए. एक इन्फॉर्मेशन और तो जब ये आपका टाइम आ जाएगा मतलब 60 साल के बाद, तो आपको 3,000 पर मंथ का पेंशन मिलेगा. ये देख लीजिए आफ्टर 60 ईयर, मतलब या तो आप 60 साल के हो जाओ या उसके ऊपर हो जाओ आप, ठीक है. तो 3,000 रुपये पेंशन है, 15,000 रुपये से कम इनकम वालों के लिए ये स्कीम है, 18 से 40 आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 100 रुपीज़ होना चाहिए. आप 100 रुपीज़ जमा करेंगे हर बार, ठीक. देख लीजिए. अच्छा, और क्या बोला गया स्कीम में, ड्यूरिंग द रिसिप्ट ऑफ पेंशन इफ द सब्सक्राइबर डाई, मतलब जिस पर्सन ने ये स्कीम ली है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बेनिफिट उसके केवल स्पाउस को मिलेगा, वो भी पेंशन का 50% मिलेगा. अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को पेंशन का 50% मतलब कि 1500 रुपए महीने मिलेंगे. मतलब ये नॉमिनेशन फैसिलिटी है इसमें, ठीक. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है, देखिए यहाँ पर आइए. तो लिस्ट ऑफ स्कीम लॉन्च बाय जनवरी, एक और आपके सामने स्लाइड है और हमने इसके पहले भी आपको स्लाइड दिया था. देखिए ये वो सेम स्लाइड नहीं है, इसमें स्कीम दूसरी है, तो इसे ही पढ़ लीजिएगा आप, ठीक. चलिए तो ये सारे पॉइंट हमारे हो गए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉलिटी की. 16th लोकसभा सेशन कंक्लूड हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्शन होने हैं. तो आप ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, भले ये बोरिंग होता है थोड़ा सा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो 16वीं लोकसभा संपन्न हो चुकी है. जो जो पॉइंट मैं बोलूंगा वो पॉइंट आपको फोकस करने हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं. देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ये 16th लोकसभा थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है. ये कंप्लीट हो चुकी है और 14 फरवरी को कंप्लीट हुई है. क्या दिन था इसका भी, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देयर वेयर अ टोटल नंबर ऑफ 331 सिटिंग फॉर लोकसभा, टोटल 331 सीटिंग्स हुई, मीटिंग्स हुई आप कह सकते हैं. और 205 बिल्स वेयर पास्ड एंड द प्रोडक्टिविटी वॉज 85%, यानी 205 बिल पास हुए, उसमें से कुछ रिजेक्ट हो गए होंगे. तो टोटल 85% की प्रोडक्टिविटी थी. ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने, जिसे मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है. आगे देखो 331 सिटिंग, 205 बिल, 85% की आपकी क्या है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है. और 14 फरवरी को ये संपन्न हुआ, मतलब जिस दिन लोग मिलते हैं उस दिन यहाँ पे बिछड़ना हो गया है ना, मतलब जो हमारे लीडर हैं और हमारी संसद का, ठीक. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्यसभा की. तो 154 बिल पास हुए और 68% की प्रोडक्टिविटी है. आपने एक चीज ध्यान से देखा कि लोकसभा में हमेशा प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और राज्यसभा में हमेशा कम होती है. इसका रीजन क्या है, क्योंकि लोकसभा में गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है, आराम से कोई बिल पेश हो जाएगा. लेकिन राज्यसभा में गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं होती है, बहुत सारे दल होते हैं जो कि इसे रोकते हैं, पॉलिटिक्स है. हमेशा राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी कम ही होगी हमेशा. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या क्या है, देखिए यहां पर कुछ पॉलिटी के टर्म्स हैं, जैसे एडजर्नमेंट क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है. तो हमने इसकी लिस्ट दी है, जो पॉलिटी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. और ये क्या है, ब्रैडली कूपर. तो ब्रैडली कूपर को वॉन द बेस्ट एक्टर फ्रॉम पेटा, तो पेटा की तरफ से इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है. इन्होंने अपने मूवी में किसी और डॉग को ना रख के अपना खुद का जो इनका डॉग था उसको रखा था, इसीलिए पेटा ने इनको ये अवार्ड दिया. ब्रैडली कूपर को आपने कई मूवीज में देखा भी होगा, ठीक. चलिए तो बात करते हैं, इनकी कोई मूवी का नाम बताओ जो बढ़िया मूवी हो, जो देखो तुम लोग, ठीक है. तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. तो ब्रैडली कूपर वॉज अवार्डेड द ऑस्कैट, तो ये प्राइज का नाम क्या है, ऑस्कैट, बाई पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा, ठीक है. क्यों मिला, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है. अ स्टार इज बॉर्न, तो इनकी एक मूवी थी बींग ए डायरेक्टर, अ स्टार इज बॉर्न, तो उसमें इन्होंने अपने ही डॉग को शामिल किया था, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला. इन्होंने आउटसोर्सिंग नहीं की थी, मतलब कहीं बाहर से कोई डॉग नहीं मंगवाया था इसके लिए. तो अ स्टार इज बॉर्न आपको याद रखना है, ऑस्कर आपको याद रखना है, ब्रैडली कूपर आपको याद रखना है, ठीक है. चलिए तो ये सारे पॉइंट आपको हम दे रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नहीं देखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पेटा के बारे में बात करते हैं. तो पेटा के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर इसका पेटा कब फाउंड हुआ, 1980 में फाउंड हुआ. फाउंडर के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, एनिमल राइट के लिए वर्क करता है. इसका लोकेशन वर्जीनिया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट है इनग्रिट न्यूकर्क, ठीक है. तो ये इसके प्रेसिडेंट हैं आपके सामने, ए टीम में नहीं है, चलो
आगे बढ़ते हैं. मैं भी कम मूवीज देखता हूँ तो मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है. विलेज रॉकस्टार, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपॉइंटमेंट की. तो बीबी शर्मा सीएमडी बने हैं पवन हंस के. ये दूसरी बार सीएमडी बने हैं बीबी शर्मा, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं. देखिए यहां पर, तो बीपी शर्मा वॉज री एम्प्लॉयड एज द सीएमडी ऑफ द पवन हंस हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो पवन हंस के ये सीएमडी बने हैं बीपी शर्मा, पहले ये पॉइंट, ठीक है. ही वॉज सीएमडी ऑफ पवन हंस अर्लियर इन मार्च 2015, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे रहे हैं. ये मार्च में रह चुके हैं, ठीक. और इनका जो टेन्योर है वो 5 मंथ का, ये 5 मंथ के लिए अभी अपॉइंट हुए हैं बीपी शर्मा. पवन हंस हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हम बात कर रहे हैं, और 2015 में पहले ये बन चुके थे, ये दोबारा बने हुए हैं, ठीक है. और 5 मंथ के लिए बने हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको हम यहां पर दे रहे हैं. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. देखिए यहां पर, पवन हंस के पास 50 हेलीकॉप्टर से ज्यादा का अपना फ्लीट है, बेड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है. तो देखिए पवन हंस हेलीकॉप्टर है, पवन हंस लिमिटेड के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें हम लोग यहां पर. तो पवन हंस की बात करें तो इट इज अ हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, मतलब कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. पवन हंस जो है वो मिनी रत्न कैटेगरी में आता है, मिनी रत्न में आता है, ये देख लीजिए. हेडक्वार्टर नोएडा में है, 1985 में बनाया गया, और पवन हंस के अंडर में एक काम करने वाली कंपनी है जो बेसिकली अभी तो ये नाव, मतलब कि जो नाव होती है उसको बनाने वर्क कर रही है. इसका नाम है जल हंस, सब्सिडरी पवन हंस की, ठीक है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट इन जनवरी 2019, हमने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है, याद कर लीजिएगा, इसे आपको काफी फायदा मिलने वाला है, ठीक. चलिए तो ये पूरी लिस्ट है हमारे पास कि जनवरी में कौन कौन लोग अपॉइंट हुए हैं. आगे बढ़ते हैं, सुशील चंद्रा की बात करते हैं. तो सुशील चंद्रा बिकेम इलेक्शन कमिश्नर. तो सुशील चंद्रा जो है ये चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं. आइए देखते हैं और क्या क्या पॉइंट आपको यहां पे समझने हैं. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ये याद रखना, हमेशा प्रेसिडेंट ही इनको शपथ दिलाएगा. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन सुशील चंद्रा एस एन इलेक्शन कमिश्नर. तो सुशील चंद्रा को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, इनको शपथ दिलाई है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने. और ये पहले क्या थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन थे, सीबीडीटी के चेयरमैन थे, और अब ये क्या बन गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, ठीक है. देखिए तो अगर हम बात करें तो आपको बता कि सुनील अरोड़ा जो है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, चीफ ऊपर होते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं. तो ये सीट वैकेंट थी, तो इस सीट पर इनका जो हमारे सुशील चंद्रा है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है. तो इलेक्शन कमिश्नर में भी एक चीफ होते हैं, उनके नीचे होते हैं एक डिप्टी चीफ, और मतलब 3 लोग होते हैं पूरा. उसकी इंफॉर्मेशन आपको इमेज फॉर्म में हम दिखा देंगे आगे, ठीक है. देखिए तो सुनील अरोड़ा कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. देखिए यहां पर, अशोक लवासा इज द सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर. अशोक लवासा सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था यहां पर. कि देखिए तो सबसे पहले सुनील अरोड़ा की बात करें, ये सबसे ऊपर होंगे, इनके नीचे अशोक लवासा होंगे, और इनके नीचे होंगे सुशील चंद्रा, इस तरह से, ठीक. ये मेरे पीछे सुशील चंद्रा लिखा हुआ है. देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो चेयरपर्सन कौन है, ही इज द सीनियर मोस्ट IRS सिविल सर्वेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये बात हो रही है चेयरपर्सन के बारे में जो सीबीडीटी के होते हैं, ठीक है. और अगर आगे बढ़े तो कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, यहां पर देखिए सुनील अरोड़ा कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर है, और सुशील चंद्रा भी इलेक्शन कमिश्नर हैं. तो ये फर्स्ट रैंक दे सकते हो आप, इन्हें सेकंड, और इन्हें थर्ड रैंक आप दे सकते हो, ठीक. ये 3 नाम याद कर लीजिएगा आप लोग. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए तो यहां पर अब थोड़ा पॉलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर. तो यहां पर बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है वही क्या करता है, शपथ दिलाता है किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. आपके सामने सारे पॉइंट है, आप देख लीजिएगा. लेकिन अभी के लिए आपको आर्टिकल 324 याद रखना है कि आर्टिकल 324 जुड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के साथ, और सारे पॉइंट यहां पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहां पे हम लोग. अब हमारे एक्स्ट्रा हाईलाइट शुरू हो रहे हैं, और एक्स्ट्रा हाईलाइट में पहला पॉइंट आपके सामने है कि नॉर्थ कर्नाटका एग्रोमेट फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर धारवाड़ में ये बना, वॉज इनॉग्रेटेड बाई डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस. तो देख लीजिए यहां पर, नॉर्थ कर्नाटका एग्रोमेट फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे बना, धारवाड़. और इसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो हमारे माननीय हर्षवर्धन जी ने किया, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस हैं. तो अब देख लीजिए आप लोगों पे कि एग्रोमेट फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, मौसम
जिसका अफेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ सकता है, तो उसको फोरकास्ट करने के लिए ये चीजें बनी है, धारवाड़ कर्नाटक, याद कर लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, देखिए यहां पर, देखिए तो अगर हम बात करते हैं मैनफ्रेड आइगेन की, तो मैनफ्रेड आइगेन हु वाज अवार्डेड वन हाफ शेयर ऑफ द 1967 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज डाइड। तो मैनफ्रेड जो है, मैनफ्रेड आइगेन, इन्होंने 1967 में नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था केमिस्ट्री का, मतलब कि शेयर वाला था, इसमें एक लोग और भी थे, तो इनका निधन हो गया है और जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होने वाला, देखिए देखिए, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अपॉइंटेड सीनियर आईआरएस ऑफिसर प्रमोद चंद्रा मोदी एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको अभी हम बात कर रहे थे कि भाई अगर सिंपल सी बात है कि सीबीडीटी के चेयरमैन अगर इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं तो वो पोस्ट वैकेंट हो गई, तो कौन बन गया, प्रमोद चंद्र मोदी बन गए हैं सीबीडीटी के नए चेयरमैन, याद कर लीजिएगा, प्रमोद चंद्र मोदी आपके सामने इंफॉर्मेशन है। गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो ठीक है सुशील चंद्रा का ये स्थान लेंगे, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वर्ल्ड बैंक साइंड 40 मिलियन लोन एग्रीमेंट, $40 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में। क्या, क्लीन एंड रिलेबल ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटीजन ऑफ द ग्रेटर शिमला एरिया। तो शिमला में जो लोग रहते हैं उनको साफ पानी प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $40 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हिंदी में, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेटा हमें सर्च करना पड़ता है, कोई कहीं से रिकॉर्ड नहीं है हमारा, और आपको पता है कि इंटरनेट पर कंटेंट जो है बेसिकली वो कौन से हैं, वो ज़्यादातर आपके इंग्लिश में ही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए तो विलियम बर वॉज सॉन फॉर द सेकेंड टाइम एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ US। तो अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या होता है, महान्यायवादी, आप कह सकते हैं एक तरह से गवर्नमेंट का एडवोकेट। तो विलियम बर जो है ये अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने हैं और ये दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बने हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखिए देखिए, डेरिक परेरा इज सेट टू बिकम द कोच ऑफ द इंडियन अंडर 23 फुटबॉल टीम फॉर द अपकमिंग एशिया फुटबॉल कन्फेडरेशन क्वालिफायर्स टू बी हेल्ड इन ताशकंद उज्बेकिस्तान फ्रॉम 22 मार्च। तो ताशकंद की बात करें, ताशकंद में फुटबॉल कन्फेडरेशन क्वालिफायर मैच होने वाला है, उसके लिए डेरिक परेरा को फीफा इंडियन टीम अंडर 23 फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है, इंडियन अंडर 20 फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। डायरेक्ट परेड आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए DHFL का नाम आपने सुना होगा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज नोटिफाइड दैट इट्स CEO हर्षिल मेहता हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन विथ इमीडिएट अफेक्ट ऑन 13 फरवरी। तो DHFL का फुल फॉर्म है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इनके CEO हर्षिल मेहता जो है इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, ये DHFL ने इन्फॉर्मेशन दी है, और इनको तो रिजाइन करना ही था, पहला विकेट गिर चुका है DHFL का, ठीक। चलिए तो ये सारे पॉइंट हमारे हो गए, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, और पहला MCQ, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है और आपको फटाफट उसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, विच बिल विल प्रोटेक्ट द पुअर पीपल हु वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन डिफरेंट स्कीम लाइक शारदा चिटफंड घोटाला। तो कौन सा बिल हमारे पार्लियामेंट ने पेश हुआ था उसकी बात यहां पे करें, तो यहां पे 5 ऑप्शन है एंड द आंसर इज अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018, हमारा पहला आंसर सही आंसर हमारा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दिशा बिल्कुल मैं देखता हूँ बेटा, इससे एक्चुअली क्या होता है कि जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल करियर एयर इंडिया। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 अश्विनी लोहानी इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड अ पब्लिकेशन टाइटल्ड इंडिया Spearheading Climate Solution on 12 February. तो ये भी कल मैंने आपको पढ़ाई दिया था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
देखिए देखिए ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पीडीएफ में इसलिए देते ही हैं, अगर हम हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे हर पॉइंट टू पॉइंट, तो सोचिए ये शो हमारा 3 घंटे का होगा। तो समझिए हमारी भी मजबूरी कि हम क्यों हर पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसे स्किप करते हैं, क्योंकि वो पीडीएफ में, और मुझे लगता है कि आप कर लेंगे इसलिए वो पॉइंट को एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया जाता जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में होती है। तो हु वॉज अवॉर्डेड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर 2018, और आपको इसका आंसर देना है, व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सिद्धार्थ लाल। सिद्धार्थ लाल इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं गाइस। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, इन विच कंट्री हैज द 38th एडिशन ऑफ कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज बिगिन विथ अराउंड 10,000 पर्सनल एंड 29 कंट्रीज एज पार्टिसिपेंट, क्या इसका आंसर होगा? कमेंट में बने रहे, मैं आपको पीडीएफ यहीं पर दे दूंगा, और जो भाई लोग ऑफलाइन में देखेंगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वहां पड़ी होगी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थाईलैंड में ये हुआ, ठीक है। वेयर वॉज एक्सरसाइज तोपची हेल्ड ऑन 12 फरवरी, आपको इसका आंसर देना है, वॉट इज द आंसर। तो आंसर इसका क्या है, इसका आंसर आपको मैंने बताया था, नासिक के पास ये हुआ था, तो नासिक इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर यहां पे आ रहा है, और क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहां पर देखिए, तो रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइंड मार्जिनली टू हाउ मच परसेंट इन जनवरी, तो आपको इसका आंसर देना है। कल ये मैंने आपको बताया था कि ये आंसर क्या है, 2.05%, 2.05% इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ रिमेंड सब डेड एट हाउ मच परसेंट इन दिसंबर ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द माइनिंग सेगमेंट एंड पुअर शो बाई द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो कल आपके एक्स्ट्रा हाईलाइट में क्वेश्चन था, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2.4%, कि मतलब कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो गिरा है, 2.4% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 सिक्स टू अपहोल्ड द राइट ऑफ पीपल विथ, तो कल ये हमारी बात हो चुकी है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेप्रोसी। लेप्रोसी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेयर वॉज द 3rd इंडो जर्मन इन्वायरमेंट फोरम विद द थीम क्लीनर एयर ग्रीनर इकोनॉमी हेल्ड ऑन 13 फरवरी, वॉट इज द आंसर, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 11th क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द MOU बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री फॉर सेटिंग अप अ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, तो कल ये हमारे पहले स्लाइड का पहला पॉइंट ही है, आपको मैंने कैबिनेट अप्रूवल कल पढ़ाए थे, उसका एक पॉइंट था, पहला ही पॉइंट था, एंड द आंसर इज मोरक्को। मोरक्को इज राइट आंसर। हाँ, SBI का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, पढ़ाया गया कल आपके कैबिनेट अप्रूवल का ये पॉइंट है, एंड द आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल फॉर एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बियॉन्ड 31 2019 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो आपको ये पता है, आपको ये पढ़ाया गया, आंसर इज 3 ईयर, 3 ईयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ MOU विथ विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम मैटर, ये भी आपको कल पढ़ाया गया था, वॉट इज द आंसर, आंसर इज सऊदी अरेबिया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2016 विल मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट, तो ये भी आपके कैबिनेट अप्रूवल के पॉइंट्स हैं, कल जो पॉइंट आपको है पीडीएफ को खोलिएगा, सारे पॉइंट आपको पढ़ाए गए, आंसर इज छत्तीसगढ़। आवर नेक्स्ट पॉइंट, वेयर डिड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष श्रीपद यासो नायक लॉन्च द ई औषधि पोर्टल, ई औषधि पोर्टल कहां पर लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज अ न्यू स्पीसीज ऑफ क्राइंग स्नेक डिस्कवर्ड ऑन 12 फरवरी, तो ये कल की न्यूज में हमारे नहीं था, तो आपको इसे याद कर लेना है, क्राइंग स्नेक की नई प्रजाति किस स्टेट में खोजी गई है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन एज इट्स एक्वेटिक एनिमल ऑन 1 फरवरी 2019, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पंजाब। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च ऑन 29 जनवरी, What is the answer? And the answer is option number 2, Rome. Rome is right answer. Our next question,
एंड लास्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द जीवन संपर्क प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विथ यूनिसेफ इंडिया ऑन 27 जनवरी। दो तीन क्वेश्चन आपके पुराने होते हैं, बिकॉज डेली के पॉइंट की बात करें तो उतने ही पॉइंट हैं जितने हम, मतलब हम कितने 10-15 पॉइंट की बात करते हैं, तो उतने ही तो एमसीक्यू बन पाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पुराने भी आपको मैं देता हूँ रिवाइज करने के लिए। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। ओडिशा इज राइट आंसर। तो मैं यहाँ पर कमेंट में पीडीएफ अभी आपको दे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। तो आज एनआईएससीएल के लिए भी जो बच्चे मेंस का एग्जाम देने वाले हैं उनकी भी क्लास चलेंगी, और साथ ही साथ आपका 5 o'clock पर फिर से करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास है, दिसंबर मंथ की हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं आपसे। सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।